राज्यसभा चुनाव पर सीएम मनोहर लाल का बड़ा बयान सामने आया है। कहा राज्यसभा चुनाव में बचे घमासान पर बोले सीएम मनोहर लाल, कहा खेल की भावना से खेल खेल में आगे बढ़ना चाहते हैं। तो बड़े खबर, बिना किसी का नाम लिए बोले खेल खेल में हो जाता है खेल। तो खेलो इंडिया के आयोजन को लेकर प्रेस कॉन्फ्रेंस में बोले सीएम मनोहर लाल, बड़े खबर, राज्यसभा चुनाव पर सीएम मनोहर लाल का बड़ा बयान सामने आया। आपको बता दें कि राज्यसभा चुनाव में मचे घमासान पर सीएम मनोहर लाल ने इशारे ही इशारे में विपक्ष पर निशाना साधते हुए कहा कि खेल खेल में खेल हो जाता है। तो बड़ी खबर, खेलो इंडिया के आयोजन को लेकर प्रेस कॉन्फ्रेंस में बोला सीएम ने कि खेल की भावना से खेल खेल में आगे बढ़ना चाहते हैं। बड़ी खबर आपको बता रहे हैं, राज्यसभा चुनाव पर सीएम मनोहर लाल का बड़ा बयान सामने आया। आपको बता दें कि राज्यसभा चुनाव में मचे घमासान पर बोले हैं सीएम मनोहर लाल। तो बिना किसी का नाम लिए बोले खेल खेल में हो जाता है खेल। ज्यादा जानकारी के साथ मेरे सहयोगी रवि जुड़ चुके हैं। रवि, इशारों ही इशारों में सीएम मनोहर लाल ने विपक्ष पर निशाना साधा है। तो देखिए, हरियाणा के राज्यसभा चुनाव में मनोहर लाल का बयान था कि खेल खेल में खेल हो जाता है। तो सीएम मनोहर लाल खेलो इंडिया के आयोजन को लेकर प्रेस कॉन्फ्रेंस कर रहे थे। उस प्रेस कॉन्फ्रेंस दौरान मुख्यमंत्री मनोहर लाल ने ये बड़ी बातें कही। चलिए, बहुत बहुत शुक्रिया तमाम जानकारी के लिए रवि आपका। तो बड़ी जानकारी आप तक पहुंचा रहे हैं। राज्यसभा चुनाव पर सीएम मनोहर लाल का बड़ा बयान सामने आया। आपको बता दें कि राज्यसभा चुनाव में बचे घमासान पर बोले हैं सीएम मनोहर लाल, कहा खेल की भावना से खेल खेल में आगे बढ़ना चाहते हैं। और बिना किसी का नाम लिए बोले खेल खेल में खेल हो जाता है। तो खेलो इंडिया के आयोजन को लेकर प्रेस कॉन्फ्रेंस में बोले सीएम मनोहर लाल। वही रुक करेंगे एक और बड़ी खबर का। बड़ी जानकारी आप तक पहुंचा रहे हैं चंडीगढ़ से। बड़ी खबर, खेलो इंडिया को लेकर सीएम ने की प्रेस कॉन्फ्रेंस। बड़ी अहम जानकारी आप तक पहुंचा रहे हैं। सीएम मनोहर लाल ने प्रेस कॉन्फ्रेंस की है। खेलो इंडिया आयोजन को लेकर सीएम ने जानकारी दी है। आपको बता दें कि खेलो इंडिया 4 जून से 13 जून तक होगा। वहीं सीएम मनोहर लाल ने कहा कि खेलो इंडिया के लिए तैयारियां पूरी की जा चुकी हैं। दिल्ली, शाहबाद, अंबाला, पंचकुला और चंडीगढ़ में होंगे खेल और खेलो इंडिया का कार्यक्रम 10 दिन तक चलेगा। आपको यह भी बता दें कि 25 खेल शामिल किए गए हैं। वहीं 5 खेल जो हैं इस बार शामिल किए गए हैं भारतीय मूल के, वो खेल हैं जिन्हें शामिल किया गया है। साथ ही धाकड़ होगा खेलो इंडिया यूथ गेम्स का शुभंकर। तो डॉक्टर और एम्बुलेंस की भी व्यवस्था की गई है, सीएम मनोहर लाल ने कहा। वहीं खेलो इंडिया गेम्स अलग चैनलों पर दिखाए जाएंगे। साथ ही सीएम मनोहर लाल ने कहा कि हरियाणा का किसान जवान धाकड़ है। तो सीएम मनोहर लाल ने पीएम का धन्यवाद भी किया और खेल आयोजन के लिए पीएम खेल मंत्री का धन्यवाद किया। आपको बता दें कि 4 जून को गृह मंत्री अमित शाह खेलो इंडिया की शुरुआत करेंगे। बड़ी जानकारी आप तक पहुंचा रहे हैं। अब से कुछ देर पहले ही सीएम मनोहर लाल ने प्रेस कॉन्फ्रेंस की, क्योंकि प्रदेश में खेलो इंडिया यूथ गेम्स का आयोजन किया गया है। चौथी बार ये मेजबानी हरियाणा को मिली है। पहली बार हमने मशाल रिले इसका आयोजन किया है, जो सारे प्रदेश में ये मशाल रिले और ये घूम करके आएगी। इसमें मस्कट जो बनाया गया है, उस मस्कट का नाम धाकड़ ये रखा गया है, धाकड़ मस्कट। 3 शुभंकर ये बनाए गए हैं, ये भी सब पूरे प्रदेश में इनको हम एक प्रकार से प्रचार के नाते कहिए या लोगों को जानकारी देने के नाते कहिए, जितने हमारे प्रदेश में जितने जिले हैं सब जगह अलग अलग कार्यक्रमों में इनको हम भेज रहे हैं और इनका भी एक भ्रमण हो रहा है। हरियाणा धाकड़ शब्द से बहुत जाना जाता है, यहाँ का जवान भी धाकड़ है, यहाँ का किसान भी धाकड़ है और यहाँ का पहलवान भी धाकड़ है। तो अब हमारा हरियाणा इस धाकड़ संस्कृति को और आगे बढ़ाए, अर्थात सबसे आगे रहने वाला, ये एक प्रकार का हिम्मत वाला
ये प्रदेश है। ये जो खेलो इंडिया का कार्यक्रम है ये जैसा बताया 10 दिन तक चलेगा, 25 इसमें गेम्स होंगे और इसकी जो शुरुआत है 4 तारीख को, इसमें हमारे केंद्रीय गृह मंत्री श्री अमित शाह जी वो पधार रहे हैं, उनका कार्यक्रम फाइनल हो गया है। सायंकाल 7 बजे के लिए हमने जनता को बुलाया है, ठीक 7:30 बजे कार्यक्रम जो है ये शुरू होगा और उस 7:30 बजे के कार्यक्रम की शुरुआत में लगभग 8,500 तो जो खिलाड़ी हैं या उनके जो प्रबंधक जितने भी हैं साथ में अधिकारी हैं, कोच हैं और जो सहयोगी हैं वो सब 8,500 की संख्या उनकी रहेगी। इस बार के आयोजन को कैसे ये पिछले 2 आयोजन हैं उससे भी आगे बढ़कर के भव्य इसका आयोजन हो, इसके लिए व्यवस्थाएं हर प्रकार की, यानी खेल के नाते से जो स्टेडियम है, इंफ्रास्ट्रक्चर है, वो तो मैं स्वयं उसका निरीक्षण करके आया हूँ, हर प्रकार के खेल खेलने के लिए और बहुत अच्छा एक प्रेमिसेस ये तैयार किया गया है। न केवल पंचकुला बल्कि इसमें से कुछ खेल चंडीगढ़ यूनिवर्सिटी का जो कैंपस है उसमें भी होंगे, कुछ अम्बाला में होंगे, शाहबाद में होंगे और दिल्ली में होंगे।